हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक फार्मा पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, ये जो स्टॉक है 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है एंड मुझे ये लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, या तो फिर बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक्स है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हो तो ये बहुत ही सही है, काफ़ी आसान है। कंपनी का जो लेवल्स है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, वो पता लगाना काफ़ी आसान है। मैं आप लोगों को वो टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त शो कर दूंगा। बाकी अगर कंपनी के बारे में बात करें तो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मुझे एक ही लगा कि लास्ट क्वार्टर में 1.65% प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये, कंपनी फंडामेंटली कैसी है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए कैसी रहेगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या कंपनी की स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स निकल के आ रही है, और मतलब क्यों बोल रहा था कि वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स ये है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, विस्ता फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, नेम से ही पता चल रहा होगा। अगर डिटेल में जानना है कंपनी क्या करती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। हम लोगों को उससे कुछ काम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हम लोग बेसिकली इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 39.3 की मार्केट कैप है, बुक वैल्यू से स्लाइटली ऊपर ही ट्रेड कर रही है। एक साल में 100% प्लस रिटर्न देके जा रही है, डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 2 रुपये का है। ROC एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE जो है वो नेगेटिव जा चुकी है। स्टॉक का PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, सब कुछ कॉन्स में ही है। प्रोज में आप लोग देख सकते हो, बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है एंड लास्ट क्वार्टर में 1.65% प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, यही सिर्फ प्रोज में है। बाकी 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो लगभग खत्म ही हो चुकी है, -40% है। प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी कम है कंपनी में। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी माइनस में जा चुकी है एंड कंपनी हैज़ हाई डेब्टेड डेज एंड कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, सेप्टेम्बर क्वार्टरली के रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, पहले प्रॉफिटेबल थी लेकिन अभी लॉस मेकिंग बन चुकी है। करंट TTM में 254 लाख की लॉस शो कर रही है, जो कि ठीक ठाक है कंपेयर टू अगर 2021 के फाइनेंशियल ईयर को देखा जाए तो। अभी और 4 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में, तो मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ प्लस लॉस कंपनी 2022 की फाइनेंशियल ईयर में शो करेगी, क्योंकि 4 महीने में ये देखो अभी 8 महीने में सिर्फ और सिर्फ 50 लाख के आसपास लॉस शो कर रही है। तो अगर 4 महीने में 20 लाख के आसपास भी लॉस शो करती है तो 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो हो सकता है कंपनी रिकवरी शो कर रही है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है कि कंपनी शो कर रही है रिकवरी। बाकी कंपनी अगर देखो कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना फॉर लॉन्ग टर्म, फंडामेंटली मैं स्ट्रांग तो नहीं बोल सकता। डेब्ट भी अच्छा खासा है कंपनी के पास, कंपनी डेब्ट रिड्यूस किया है। बोरिंग्स मतलब रिजर्व टू बोरिंग्स के अगर रेशियो देखा जाए वो भी ठीक ठाक है। अगर बोरिंग से रिजर्व डबल रहती है तो मज़ा आ जाता है, लेकिन ठीक ठाक है। कंपनी पहले डेट फ्री रह चुकी है तो फ्यूचर में कंपनी को डेट फ्री आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 9 लाख की नेगेटिव कैश फ्लो है, यहाँ पर भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें, जो कि ऊपर मेंशन था, अगर 3 साल के हिसाब से देखा जाए तो प्रोमोटर की होल्डिंग ओवरऑल कम हुई है। पहले 37.36 से 38.14, बाकी अभी है 36.94। पब्लिक से देखो गाइस, पब्लिक से माल उठाया भी नहीं गया है, पब्लिक को माल चिपा गया है। बाकी अगर बात करें, यहाँ पे बड़े बड़े रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है, अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो 30% के आसपास हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की पैसा लगा हुआ है। तो टू बी एग्जैक्ट 31.27%, आप लोग कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। भी फंडामेंटली बात करते हैं, देखो गाइस फंडामेंटली कंपनी कैसी है ये तो आप लोगों को पता चल ही गया कि कंपनी लॉस मेकिंग है। हाँ, हो सकता है कंपनी रिकवरी शो कर रही है, धीरे धीरे लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल बन जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, या तो फिर इस चार्ट में भी कोई कंफर्मेशन नहीं था कि कंपनी जो है वो धीरे धीरे प्रॉफिट शो करेगी या तो फिर कंपनी जो है वो रिकवरी दिखा रही है। अभी बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कंपनी कैसी है एंड लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 ईयर की चार्ट खुली हुई है। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब जो लोग बिगिनर है उन लोग मैं बोल देता हूँ, अगर आप लोग 12 महीने से पहले प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एंड अगर आप लोग 12 महीने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आती है। तो एज सच अगर आप लोग इस मेंटेलिटी से स्टॉक में एंटर कर रहे हो कि मुझे 8 से 10 महीना होल्ड करना है, उसके बाद बेच दूंगा जितने भी प्रॉफिट हो, देन यू कैन गो फॉर इट। बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने में सिर्फ और सिर्फ 38% का रिटर्न, कोई कोई कंपनी तो 6 महीने के अंदर अंदर 50% प्लस रिटर्न देके चली जाती है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 12 हफ्ते के अंदर अंदर इससे ज़्यादा रिटर्न दे देती है पेनी स्टॉक्स। बेसिकली अगर 2 दिन
पर सेकेंड लगता है 20% पे, तो इससे ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर। अभी बात करते हैं तो कैसे देखो, शॉर्ट टर्म के लिए मेरा ना भी नहीं है, हाँ भी नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो, मतलब अगर आप लोग मानते हो कि प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट, और अगर छोटे मोटे प्रॉफिट से आप लोग खुश हो, क्या पता कब जैकपॉट लग जाए लॉटरी की तरह, उसके लिए आप लोग वेट करके मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो। बाकी इससे भी अच्छी रिटर्न देने वाली काफ़ी कंपनियां हैं इससे भी नीचे की प्राइस पॉइंट पे, उसमें भी आप लोग पैसा लगा सकते हो। 5 ईयर्स के बारे में बात करें, 5 ईयर्स में नेगेटिव में ही चल रही है। अगर मैक्स चार्ट देखा जाए तो मैक्स चार्ट में 4.39% कंपनी अप है, और कंपनी 50 रुपये के लेवल से ऑलमोस्ट नीचे गिरा है। और ये ज़्यादा दिन का बात नहीं है, 2018 के ही बारे में मैं बोल रहा हूँ। कंपनी 2018 में 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करती थी। तो अगर देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टाइम के बारे में सोच रहे हो तो गाइस आप लोग बाई करके चल सकते हो, मैं यही बोलूँगा। फंडामेंटली वीक है कंपनी, लेकिन 100 रुपया लगा के छोड़ दो गाइस कंपनी में, अगर कंपनी 1-2 साल के अंदर अंदर 50 रुपीज़ की लेवल दिखा देती है, अभी आप लोग को 10 रुपये के आसपास मिल जाएगा। 1-2 महीना या तो फिर 3-4 महीना वेट करोगे तो 10 रुपये के आसपास आप लोग को मिल जाएगा। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन साउंड गाइस, मैं यही बोल रहा था कि 10 रुपये के आसपास मिल जाएगा, तो आप लोगों का पैसा जो है 5 गुना हो जाएगा। 100 रुपीज़ 5 गुना कर लेना 500 रुपये, तो ऐसे ही करके आप लोग पैसा लगा सकते हो। बाकी आप लोगों के ऊपर मैं सच तो कोई रिकमेंड तो नहीं करने वाला फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी देखो, ये तुक्के से चलने वाला स्टॉक है, मतलब अगर लग गया तो लग गया, अदरवाइज 0 भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी में कोई दम नहीं है। बाकी बात करें आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग BSE के वेबसाइट में आ चुके हैं, तो पहले देख लेते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, और क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, शायद ये इस कंपनी में इंटरडे ट्रेड्स लेना अलाउड नहीं है, इसलिए 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, और 24,000 के आसपास आज क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, और वो किस लेवल पे है जहाँ पे आप लोग एक लॉजिकल लेवल निकल के आ रही है फॉर बाइंग दिस स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BSE की डेली चार्ट खुली हुई है। यहाँ पे अगर बात किया जाए आज के बारे में, तो ऑलमोस्ट 4.9% ऑलमोस्ट 5% अप थी कंपनी, 11 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, जो भी बंदा शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहता है, 8 रुपये के लेवल के लिए वेट करो। अगर आप लोगों को 8 रुपये के लेवल पे मिलता ही नहीं है, मतलब 8 रुपये के लेवल कंपनी शो नहीं करती है, देन 8-10 रुपये के लेवल बहुत ही सही रहेगा, 8-9 रुपये के अंदर रखने की कोशिश करना। बाकी अगर 9 रुपये के लेवल दिखाती नहीं है कंपनी, देन आप लोग 10 रुपये के आसपास, मतलब 9-10 रुपये के अंदर ट्राई करना, क्योंकि 10 रुपये के लेवल पे आप लोगों को आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी इस कंपनी को, अब मतलब 10 रुपये के आसपास आप लोगों को मिल ही जाएगी ये कंपनी। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। देखो गाइस, काफ़ी सारे लेवल्स हैं, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा गाइस, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर कहीं पे ये लेवल्स एक बार नोट डाउन करना, क्योंकि जब भी मैं चार्ट को एक्सपेंड करूँगा सभी लेवल्स विजिबल नहीं होगा, तो मैं आप लोग को पहले से ही रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है या तो फिर जो टारगेट्स है ये एक बार नोट डाउन कर लो कहीं पे। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दैट, ये कहाँ पे था, वेट गाइस। हाँ गाइस, मैंने ब्लू लाइन भी थोड़ा एडजस्ट कर दिया है रेड लाइन के हिसाब से, ड्राइंग में इरर था थोड़ा। तो गाइस देखो, पहले बात कर लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अब लोग को ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ये टोटल का। बाकी यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स एकदम करेक्टली मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, तो ठीक ठाक लेवल पे ड्रॉ किया हुआ है। अभी बात करते हैं आज के वॉल्यूम के बारे में। देखो गाइस, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हैं तो गाइस मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, गाइस ये जो ट्रेड है इन दोनों के बीच में, ये जो व्हाइट लाइन का जो सपोर्ट है एंड रेड लाइन के बीच का जो ट्रेड है वो आप लोग छोड़ दो। मैं क्यों किस लिए ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगर यहाँ से बाउंस बैक दे रही है तो ऊपर ही जाएगी। मान लो देखो, अभी बहुत दिन हो गया, ये करीब करीब 2021 के पहले से इस रेंज में ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट नवंबर 1 साल हो गया इसी सपोर्ट से, सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है फिर से यहाँ से नीचे जा रही है। तो अगर मार्च या तो फिर जनवरी में अगर 2021 की ये वीडियो बना था तो गाइस मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करता कि इन दोनों के बीच में आप लोग ट्रेड ले लो। अभी बहुत देर हो चुकी है, 1 ईयर प्लस इस लेवल पर कंपनी जो है कंसोलिडेट कर रही है, तो हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पर बाई किया बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद, और कंपनी जो है ऐसे बीच से ही लौट गया या तो फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, तो आप लोग को बहुत महंगा पड़ सकता है वो। इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा वेट फॉर द प्रॉपर क्लोजिंग ओवर 12.94 की टारगेट। आई मेरा मतलब है कि ब्रेकआउट देने के लिए वेट करो, ब्रेकआउट तक वेट करो, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद बाई करो। ब्रेकआउट कब होगा, 12.94 के ऊपर जब प्रॉपरली ये कंपनी क्लोजिंग कर देगी। देखो 12.94 के ऊपर ट्रेडिंग के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, 12.94 के ऊपर ट्रेडिंग काफ़ी दिनों हुआ था, लेकिन एक प्रॉपर अगर ब्रेकआउट रहती है तो आप लोगों को एटलीस्ट 20.16 या तो फिर
25.77 या तो फिर उसके भी ऊपर का लेवल दिखाएगी। बाकी अगर ये कंपनी एक फेकआउट देती है तो जैसे ये 16.16 के लेवल से ये कंपनी नीचे गिरी है, वैसे ही गिर के फिर से ये रेंज में ट्रेड करना चालू कर देगा। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्या करना है आप लोगों को, 12.94 के ऊपर या तो फिर ब्रेकआउट की प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद, या तो फिर मैं सीधा से बोलूंगा 12.94 के ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग के बाद आप लोग बाई करके चलना फॉर दी टाइगर्स ऑफ 16.16। 16.16 को भी देखो, क्योंकि कई बार होता है कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन आपको लगता है कि आप ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल गया है, या तो फिर स्टॉक जो है वो क्लोजिंग कर दिया सक्सेसफुली 12.94 के ऊपर, लेकिन होता है कुछ अलग है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो मैं 16.16 की जो लेवल है वो भी काउंट करूंगा, इसे छोड़ नहीं दूंगा। बाकी अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देते तो क्या ही लोग बाई करेंगे, अगर नीचे की तरफ बाई चांस ब्रेकआउट देते तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा मौका मिल जाएगा। पाँच से देखो इतने दिन कंसोलिडेट किया है तो नीचे काफ़ी 5 से 6 रुपये के लेवल ये कंपनी दिखा देगी, तो 5 से 6 रुपये के लेवल पर एंट्री करने का एक अच्छा खासा मौका उन लोगों को मिल जाएगा। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के सारे लेवल्स मैंने बता दिया, अब कैसे क्या ट्रेड लेना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना है, या तो फिर स्विंग ट्रेड लेना है, वो तो आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन तो है ही है, बाकी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके बड़ी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइस, बाय गाइस एंड स्टे सेफ।